दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको अपना फैट पेट की अधिक चर्बी या मोटापा कम करना, ये देखिए बिल्कुल खत्म, ये देखिए। तो ये एक्सरसाइज आपको कुछ करनी है दोस्तों, पहले एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे सूक्ष्म में आपसे करना है, कुछ समय सूक्ष्म में हम एक्सरसाइज करें, मतलब धीरे धीरे एक्सरसाइज करें, जैसे ही आपका बदन लचीला आ जाए उसके बाद आप हार्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले गर्दन से स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले गर्दन से, ये देखिए आपको अपनी गर्दन दाहिनी तरफ जानी धीरे धीरे, इसका कुछ सेकंड होल्ड रखें, स्टॉप करें और फिर धीरे धीरे सेंटर और फिर बाईं तरफ भी इसको, और फिर ऊपर और फिर नीचे, इस एक से दो मिनट, केवल एक से दो मिनट करेंगे। ये तो गर्दन की होगी, इसके बाद करेंगे हम आंखों की, आंखों को दोनों तरफ घुमाएं, कभी इधर देखे, लेफ्ट देखे, राइट देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, इस प्रकार ये एक मिनट करें। उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको कंधों की एक्सरसाइज करनी है, इस प्रकार कंधे कंधों पर हाथ इस प्रकार रखें और धीरे धीरे घुमाएं, एक दो और फिर उल्टा, दो, देखो ये कोनी टच होनी चाहिए यहाँ पर, इस प्रकार टच होनी चाहिए, ये ठीक है सर। और उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस प्रकार खींचा और फिर सामने हाथों को फैलाते हुए हल्का हल्का घुमाएं, दोनों तरफ से, एक से दो मिनट, ये भी एक से दो मिनट के लिए प्रतिदिन करें इस, और हल्का हल्का इस प्रकार करें, झटका दे दें, उसके बाद करेंगे हम कमर, ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों आपको। इसके बाद आप कमर में आ जाइए, धीरे धीरे कमर को हल्का हल्का, और जंपिंग कर सकते हैं दोस्तों आप, हल्का हल्का इस तरह जंपिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे पीछे इस करें, 2 से 3 मिनट करें इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आते हैं हम पीठ के बल, पीठ के बल लेट के करना, पीठ के बल लेट के बिल्कुल पांव सीधे और धीरे धीरे अपने पांव को 30 डिग्री पर लाए, 30 डिग्री, यह है 30 डिग्री, और उसके बाद धीरे धीरे 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर लाए और फिर धीरे धीरे 90 डिग्री पर, इस ये 90 डिग्री, और धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाए, कोशिश आप अपने कमर को इस प्रकार पकड़ें पीछे की तरफ, कोशिश करें धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे इस प्रकार आपको 30 डिग्री पर अपने पांव को रोकना, कुछ समय के ये एक्सरसाइज आपको 2 से 3 मिनट की है, 2 से 3 मिनट यहाँ पर रुके और फिर 60 में जाएं, यहाँ रुके, ये 60 और ये 90, फिर धीरे धीरे आपको पीछे, ठीक है, और इसके बाद करें अपने घुटनों को अपने चेस्ट पर लगाने की कोशिश करें, चेस्ट पर, और थोड़ा दबाव करें इसमें, उस समय होल्ड रखें और फिर बाएं घुटने इस वक्त कुछ समय होल्ड रखें, और फिर आप दोनों घुटनों को इस तरह ये होल्ड रखें, फिर इसको दोबारा करेंगे दोस्तों एक बार, अब आपके बाद आपको गर्दन उठानी है, कुछ समय होल्ड रखें और अपने गर्दन को उठाते हुए घुटने पे, मतलब घुटने को घुटने पे टच करें, कुछ समय होल्ड रखें, 2 से 3 मिनट करनी है एक्सरसाइज, और फिर बाएं धीरे धीरे गर्दन को उठाएं, और फिर आपको दोनों और आपके बार आपको रोटेट होना है, ये देखिए दोस्तों, और फिर धीरे धीरे अपने पांव को सामने रखते और घुटनों को इस प्रकार मोड़ दे, और ये इस प्रकार हाथ सामने हो एकदम, और ये इस प्रकार करें दोस्तों, एक दो तीन इस प्रकार करें, 2 से 3 आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, धीरे धीरे पहले दाहिनी तरफ होल्ड किया आप कुछ समय, फिर सेंटर और फिर बाई तरफ, और इसको स्टिचिंग के लिए आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, एक इस प्रकार होल्ड किया कुछ समय और फिर धीरे धीरे इस प्रकार,
और इसके 2 से 3 मिनट करनी होती है ना, उसके बाद आपको अपना पेट उठाना है इस तरह से, गर्दन जमीन पे जितना पेट को ढसते हो उस उठाए, कोशिश करें और ऊपर, और फिर धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे ऊपर ही सीखें करें। तो अब करेंगे हम पेट के बल, आपको पेट के बल सीधा लेटना है और अपने पैरों को धीरे उठाएं और इसका कुछ समय होल्ड रखें दोस्तों, 20 सेकेंड, धीरे धीरे 2 स्टेप करेंगे, ये भी 1 से 2 मिनट करें। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घुटने मोड़ने और इस होगा ये करना, जितना उठ सकते उसमें और फिर क्या करें, इस होगा अपनी चेस्ट के सामने अपनी हथेली रखें और धीरे धीरे इसका ये और धीरे धीरे ये और आईना पहन करते हुए फिर कोशिश करें जमीन पर, ये धीरे धीरे करने दो आपको और फिर करना दंड में दंड आसन में बैठ के कोशिश करें झुकने की, 1 से 2 मिनट और फिर आपको इस होगा 1 2 3 4, अब इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइज है, इनको डेली करें 2 से 3 मिनट करें हर एक स्टेप को। ये देखिए यहाँ फर्क पड़ेगा दोस्तों, जैसे हम झुकाव करेंगे या पेट में मंथन करेंगे तो दोस्तों ये देखिए फैट कम होने स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें।